मैं कांग्रेस पार्टी के श्रीनगर हेडक्वार्टर पे स्वागत करता हूं। आज हमेशा की तरह आप अपने टाइम पे हमारी पीसी कवर करने के लिए आए। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि हमारे नौजवान कैंडिडेट जमीर अहमद साहब बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से, इन्होंने बारामूला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से इन्होंने अपना नॉमिनेशन भरा था इलेक्शन लड़ने के लिए, और पटन के एरिया से बिलोंग करते हैं और काफ़ी सपोर्ट था इनको यंग यूथ का भी और लोगों का भी वहाँ से। लेकिन हमने जब इनसे बात की और इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि ये कांग्रेस पार्टी में आना चाहते थे, और उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपने सैकड़ों और हजारों सपोर्टर के समेत कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी, चूंकि आपको पता है कि कश्मीर की तीनों सीटों पे कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स का सपोर्ट कर रही है, और बारामूला कुपवाड़ा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे जनाब उमर अब्दुल्ला साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस पार्टी जमीर अहमद साहब आज के बाद उमर अब्दुल्ला साहब की कंपेन करेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया अलायंस कैंडिडेट उमर अब्दुल्ला साहब की कंपेन करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू में भी हमने दो सीटें बहुत अच्छे मुकाबले में जीत ली होंगी, इंशाल्लाह रिजल्ट निकलेगा तो हम जीत जाएंगे। कश्मीर की तीन सीटें भी इंडिया अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट जीतेंगे, तो पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में हम सारी सीटें लेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि ऑल इंडिया लेवल पे जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर की बुखलाहट देखी जा रही है, कभी वो मंगलसूत्र की बातें करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं, कल को तो अजीब ही बात सामने आई, जो लोग मोदी जी के सपोर्टर हैं, जिनका 15 लाख करोड़ उन्होंने कर्जा माफ़ किया, जिनको हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े ठेके 10 सालों में दिए, उनकी बात की कि कहा कि टेम्पू में उन्होंने कांग्रेस को पैसे दिए। ये अजीब बात है, जो बीजेपी कांग्रेस पार्टी का 250 करोड़ का अकाउंट में सीज कराए, जो हमने चंदा करके जमा किया था पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए, और वही बीजेपी आज कह रही है कि टेम्पू में कांग्रेस के लिए पैसा गए, बड़ी शर्मनाक बात है। तो मुझे लगता है इन बातों से आज आया हो गया है कि बीजेपी जो है 150 पार भी नहीं करेगी सेंटर में, और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस 4 जून को हुकूमत बनाने जा रही है, ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है हुकूमत बनते ही कश्मीर में स्टेट वापस होगी, यहाँ के जो भी प्रॉब्लम मुश्किलात हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, डेवलपमेंट के मसले हैं, हिरासमेंट है, मुलाजमों को हिरासमेंट है, हमारे फ्रूट ग्रोवर का इशू है, किसानों का कर्जा है, इन सब को हम रिड्रेसल करेंगे। और जहाँ तक बिजली का मसला है, स्मार्ट मीटरों को फेंकने की बात हमने की थी और इंशाल्लाह हम उस वादे पे कायम हैं, तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। और जो प्रोटेक्शन जम्मू कश्मीर में खोई है 370 के बाद, जिसमें जॉब्स की प्रोटेक्शन थी, जैसे 1927 में हमको महाराजा ने स्टेट सब्जेक्ट दिया था, और वो स्टेट सब्जेक्ट 3 चीज़ों के लिए था। एक, जॉब की प्रोटेक्शन, जब भी कोई नौकरी का फॉर्म भरता है उसको स्टेट सब्जेक्ट लगाना पड़ता था साथ में। दूसरा, ज़मीन की प्रोटेक्शन, अगर कोई भी आदमी किसी से ज़मीन खरीदता था तो स्टेट सब्जेक्ट साथ में लगता था और वो बाहर वाले आदमी को होता नहीं था। तीसरा, कल्चर प्रोटेक्शन, कल्चर प्रोटेक्शन मस्ट है, जिसमें हमारा कश्मीरी कल्चर, डोगरा कल्चर, गुजर कल्चर, पहाड़ी कल्चर, सरदार, ईसाई, जितने भी यहाँ ये जो तबके रहते हैं जम्मू कश्मीर में, उनकी कल्चर की प्रोटेक्शन की बात है। इंशाल्लाह कांग्रेस आएगी, इन तीनों चीज़ों पे हम काम करेंगे। इसमें हमने ऑलरेडी जो है रेजोल्यूशंस पास किए हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई थी वहाँ भी किया है, CWC में भी हमने इसमें एक रेजोल्यूशन पहले ही बनाया था, तो ये कांग्रेस काम करेगी। और